राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है और ऐसे में बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। बिहार में भी इसको लेकर कई तरह की चर्चा की जा रही है। कांग्रेस के नेता तराहिमाम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुटकी ले रही है। दरअसल जब से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है तब से बिहार की राजनीति में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब राहुल गांधी के अयोग्यता सिद्ध होने के बाद क्या नीतीश कुमार का पीएम कैंडिडेट के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। सवाल ये कि क्या ये एक अवसर है नीतीश कुमार के लिए। सवाल ये कि कांग्रेस पे आई ये आपदा नीतीश के लिए कितना फायदेमंद होगा। दरअसल गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और सजा सुनाने के 24 घंटे बाद ही संसद ने एक बड़ा फैसला लिया। संसद के अंदर ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी अयोग्य है, यानी राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। फैसले के बाद कांग्रेस के अंदर बवाल मच गया। कांग्रेस के नेता ने बवाल किया सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, और उन्होंने इन सब का जिम्मेवार बीजेपी को ठहराया। हालांकि ये जो फैसला लिया गया है उसका असर देश की सियासत पर कैसे पड़ेगी उस पर हम बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी के आयोग घोषित होने के बाद ये सवाल उठना शुरू हो चुका है कि अब नरेंद्र मोदी के सामने कौन वो चेहरा होगा जो उनके से मुकाबला करेगा। विपक्ष की वो तमाम चेहरे, आखिर वो चेहरा कौन होगा जो पीएम कैंडिडेट हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी के आयोग घोषित होने से बिहार के सियासत में कई ऐसे चेहरे हैं जो खास हो जाते हैं, जो देश में अपनी पहचान बनाएंगे और बना भी रहे हैं। देखिए, पहला नाम तो कांग्रेस की तरफ से अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल को एकजुट करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी पर जो आपदा आई है, जो मुसीबत आई है, उसका असर बिहार में दिख रहा है और अब ये कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को एक बड़ा अवसर मिल रहा है। देखिए, शुरू से ही इस बात का मसला था कि नीतीश हो या ममता, विपक्ष किसी को भी पीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार नहीं करेगी जब तक राहुल गांधी है। हालांकि इस चर्चा से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे और सरकार बना लिए थे। इसके बाद वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी से भी मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या निर्णय लिया गया, इस बारे में आज तक ना ही नीतीश कुमार ने बताया और ना ही लालू यादव ने। हालांकि उस वक्त भी ये मान लिया गया था कि नीतीश की जो विपक्ष के लोगों को एकजुट करने की जो प्लानिंग है वो फेल हो गई है। वहीं राहुल गांधी की अब सदस्यता जाने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम कैंडिडेट बन पाएंगे, क्या नीतीश कुमार के सहारे पूरे देश भर में विपक्ष की एक नई विपक्ष की भूमिका तैयार होगी, एक नई गोलबंदी होगी जो नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़ी होगी। तो अगर नीतीश कुमार मोदी के सामने खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए भी 2024 की जो चुनावी रास्ता है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे, उससे काफी पहले से ही नीतीश का चेहरा सबसे ज्यादा जेडीयू की तरफ से आगे किया गया था। देश भर में नीतीश कुमार की एक अपनी पहचान है। भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार का नाम उन चुनिंदा नेताओं में लिया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो न केवल जनता की नब्ज को समझते हैं बल्कि वो पार्टी पॉलिटिक्स में भी माहिर खिलाड़ी है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की टक्कर का नीतीश कुमार को ही माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली जाने का रास्ता, लोकसभा में जाने का रास्ता जो है वो बिहार होते ही जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट जीत जाने वाला ही बहुमत से सरकार बना सकता है। तो ऐसे में यूपी में अखिलेश यादव बीजेपी के विरोध में है तो वो नीतीश कुमार के नाम पर सहमति कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का संबंध बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी अच्छी खासी है। बिहार में नीतीश कुमार को देश के स्तर पर पहुंचाने के लिए आरजेडी तो पहले से ही मुहिम चला रही थी। नीतीश कुमार वो चेहरा है जिसको कांग्रेस पार्टी भी आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर सहमति दे सकते हैं। हालांकि जो राहुल गांधी को सजा हुई है उसमें कोर्ट ने उनको 30 दिन का वक्त दिया है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अगर राहुल गांधी के पक्ष में सुनवाई होता है तो सियासी स्थिति जो अभी है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर पक्ष में नहीं आया तो राजनीति के गलियारों में किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है वो देखने वाली बात होगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।